हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत और आप देख रहे हो चैनल बियॉन्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना ओप्पो A7 मोबाइल का फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। जी दोस्तों, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 30 डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट्स, मतलब आपको पूरा का पूरा 30 फॉन्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बच जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं फाइल्स खोल लेता हूँ और यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर देता हूँ फॉन्ट्स प्लस 30। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक जीप फाइल डाउनलोड करके रखा है, इसे आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका जो लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, आप वहाँ से बहुत ही आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए आपको बता देता हूँ इसके बाद क्या करना होगा। आपको इसके डाउनलोड करने के बाद जाना पड़ेगा फाइल्स में, और फाइल्स में आने के बाद आपको देखना पड़ेगा वो फाइल कहाँ पर डाउनलोड हुआ है। इससे बेहतर तो यह दोस्तों, आप सर्च बार में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए फॉन्ट्स प्लस 30, तो बहुत ही आसानी से ये आपको मिल जाएगा। और क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद स्टार्ट में क्लिक करके इसे अनजिप कर लेना होगा। तो चलिए, ये अनजिप हो चुका है और ऊपर में एक फाइल आ चुका है, इसे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 30 डिफरेंट स्टाइल का फॉन्ट मिल जाएगा और आप किसी एक को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और ये सब डिफरेंट स्टाइल का है। तो मैं ये फर्स्ट वाला जो है इसे करके दिखाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद इसे इंस्टॉल में कर देना होगा क्लिक। तो दोस्तों, ये जो फॉन्ट स्टाइल है सभी डिफरेंट स्टाइल का आपको मिल जाएगा और आप ये सभी जो फॉन्ट्स को आप अपना मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। और डन में क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको निकल जाना होगा। तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। तो चलिए सेटिंग्स खोल लेता हूँ और सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में क्लिक करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप फॉन्ट चेंज करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आ जाएगा कैसे आपको दिखाता हूँ। आपको जाना पड़ेगा लैंग्वेज एंड रीजन में। चलिए लैंग्वेज एंड रीजन में यहाँ पर जो रीजन है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, आपको जो कंट्री नेम है, आपका जो रीजन है उसे चेंज करके म्यांमार में कर देना होगा। नहीं करोगे यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देता हूँ, तो चलिए कर दिया। और इसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिर से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स, तो इसे ऑन कर देना होगा। तो चलिए इसे ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हो मेरा मोबाइल का जो फॉन्ट स्टाइल था वो चेंज हो चुका है और आप वहाँ से किसी भी डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को इंस्टॉल आपके मोबाइल में कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।